नमस्कार, सोनी न्यूज खबर आप। बुधवार शाम को हुई बारिश से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीर सामने आई है, जहां पर नगर पंचायत और नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी हां, यहां पर हर साल की भांति जिस तरीके से बरसात में तस्वीरें देखने को मिलती, वही तस्वीरें यहां पर एक बार फिर से देखने को मिली। 24 घंटे की बरसात के बाद लोगों का रोड पर निकलना मुश्किल हो गया। 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रसिद्ध विद्यालय 2 दिन तक बंद रखे जाएंगे, इसके आदेश DM ने कर दिए। वहीं सभी प्रसिद्ध विद्यालयों के आलम यह है कि विद्यालय के परिसर के अंदर पानी भरा हुआ, सड़कों का आप देख सकते हैं तस्वीर और स्कूलों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलमग्न हो चुके स्कूल। आर सोनी न्यूज के लिए गाजीपुर से आप अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। आर सोनी न्यूज की तमाम खबरों के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर। बरसों से पानी लग रहा है हर साल, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब इधर एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरे नगर में पानी की समस्या है, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं है। चलिए, यहाँ के सभासद रूपक तिवारी जी हैं। हाँ, और रूपक तिवारी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। चेयरमैन साहब एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो अपने ही में केवल लगे हुए हैं। हाँ, इस पर कुछ कहना नहीं है भैया, बस संवेदनशीलता पे एक सवाल है। क्या नगर पालिका इतनी असंवेदनशील हो गई है कि ये बुजुर्ग आदमी, ये बुजुर्ग औरत रोज आती जाती है, और क्या ये यही हम लोगों ने देखने के लिए विनोद ग्राउंड चुना है? क्या शासन इसीलिए आया है? आप देखें किस तरह से हम लोग आ रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कहना है। एक सवाल है, बस वो सवाल का जवाब वो दे दें कि इतनी असंवेदनशीलता क्यों है। बस इस संवेदनशीलता का हमको जवाब दे दें, बाकी सब हमको ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए।